और हरि से लगन लगावे ऐसो को। जो गीत में लाए ने बताई हैं, विश्वास मानो उनको आदो भी अमल कर लो तो गारंटी है कि भगवान मिलने। लेकिन अरे ऐसो को जो हरि से लगन लगावे, अरे ऐसो को जो हरि से लगन लगावे, अब देखो हम कह रहे हैं ना कि भगवान मिलने की गारंटी है। सुनो आप कैसे मिले भगवान, लगन कैसी भय चाहिए। बहुत गंभीरता की बात है और बहुत ध्यान देवे की बात है। पूजनीय कबीरदास जी लिख रहे ऐसो को जो हरि से लगन लगावे, कैसी के जैसे नटिया चढ़े बरत पे नटनी ढोल बजावे। आओ खेल दिखावे भाई, आओ जो रस्सी पे चला, रस्सी पे उसे बरत कही जा, और जो खेल दिखाते हैं नटिया नट कही जा। लेकिन लगन देखो उनकी सीखे चाहिए संसार से। जैसे नटिया चढ़े बरत पे नटनी ढोल बजावे, लेकिन अपने पेट के लाने देखो, अपने पेट के लाने देखो, लगन बरद की रावे ऐसो को जो हरि से लगन। हजारों लोग खेल देख रहे हैं, ताली बज रही है, हॉर्न बज रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन जब वो रस्सी पे चलते हैं ना नट, वो ध्यान रस्सी पे रख, ध्यान भटके और मौत के मुंह में गए। ऐसी लगन जी दिन लगा लो, गारंटी है कि भगवान मिले 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 बीच बेर मिले। अपने पेट के लाने देखो, सुरत पर दे की रावे ऐसो को जो हरि से दाजी की लाइन अमृत के समान हो रामबाण। पहली लगन आई, फिर कबीर दास जी ने लिखा अगर ऐसी लगन नहीं लगा पाओ तो ऐसी लगा लियो तो भगवान मिल जाए। जैसे एक सांप मन हारो कई ये मणिधर चरवे जावे, एक लाखों में एक सांप हो जी के पास मणि हो, और मणि के उजेले में ही वो सांप चरत है रात के अंधेरी रात में निकलत, तो पहले मणि निकाल के धर दे फिर ऊके उजेले में सांप चरत हो। लेकिन देखो आप भूख भी लगी, पेट भी भरने चन्ने भी है, लेकिन लगन देखो क्या बात। एक सांप मन हारो कई ये मणिधर चरवे जावे, और कछु चरवे कछु चरत बिलो के, कछु चरवे कछु चरत बिलो के, सुरत मणि की रावे ऐसो को जो हरि से लगन लगा। चलो ऐसी नहीं लगा पा रहे अपने घर से सीख लो, खुद के घर से, खुद के गांव से सीख लो, खुद के मोहल्ला से सीख लो। जो लाइन आई है क्या लाइन, तर्क देखो कबीरदास जी ने तर्क कितने प्यारे दिए कि अपने घर से सीख लो। का एक नारी पनहारी कहिए और कुएले पनिए जावे, एक औरत पानी भर के आ रही और एक औरत पानी भरवे जा रही, बीच में मिल गई दो यानी। देखो तो लगन पूजनी कबीरदास जी ने कहां से तर्क ढूंढे।
के एक नारी पनहारी कहिए कुले पनिए जा। और दो जनी मिल गई तो का भाव, अरे गैल चलत बतकारो करवे, गैल चलत बतकारो करवे लगने गगर की लावे। ऐसो बताओ आप लोग देखे हुई है, खेप धरे गुंडी धरी, गुंडी पे कसड़ी धरी, एक बगल में चाप एक हाथ में लें, और एक जनी मिल गई रास्ता में, तो घंटों बातें हो रही, घंटों बातें, लेकिन मज्जाल है कि कोई भी बर्तन गिर जाए। क्या बात है यार, वाह। एक नारी पनहारी कहिए कुगले पनिए जा, गैल चलत बतकारो करवे लगने गगर की रावे। ऐसो को जो हरी से लगने लगा, चलो आदमी से मनुष्य होने से नहीं सीख रहे कोई बात नहीं, सांप से नहीं सीख रहे कोई बात नहीं, तो पक्षी से सीख लो, पक्षी से सीख लो। बहुत प्यारी बात, जो लाइन आई है, जितने युवा बैठे हैं इन्हें जो चीज देखी नहीं हुई है, हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं इन्हें सबने देखी का के कठिन जात हाड़े लिखी कही है। हाड़ेल चिड़ैया होते पक्षी, सुनो सुनो बेटा, हाड़ेल एक ऐसी चिड़िया हो, उसकी एक जिंद हो कि हम जब तक जिंदा हैं धरती पे पांव नहीं रखें, जब तक जिंदा है बाप ने पंजाब में अपने चोंच में एक लकड़िया चाप रख, जब धरती पे बैठा थे तो पहले वह लकड़िया धरत, फिर वो लकड़िया पे बैठा पूरी जिंदगी, उसकी लगन देखो आप, एक पक्षी पूरी जिंदगी भर लकड़िया संग ले रहा, जब धरती पे बैठे तो पहले रखे लकड़िया और लकड़िया पे फिर बैठे, जब उसकी लगन देखो, और जब मरत है तो मरते मरते उसकी लगन कायम होती है, जब अब मरण लगत तो पांव ऊपर कर ले, उसकी लगन देखो कि मरते मरते में खुद ध्यान है कि धरती पे पांव नहीं रखने हमें, तो जब मरण लगा तो पांव ऊपर कर ले, तो पक्षी से भी सीख ले चाहिए। इसे लाइन आई, कठिन जात हाड़े लिखी कहिए धरती पाओ नया, कठिन जात हाड़े लिखी कहिए धरती पाओ नया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो अत भर प्राण गवावे। ऐसो को हरी से लगे, ऐसे कविता जी लिख रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, लेकिन लोग सुनो भाई साधु, साधु नहीं गई उन्हें, साधु कहू नहीं गई उन्हें, जाकर कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमारी बात सुनो बस साधो अमल करो, जा गई उन्हें आदमी कहते सुनो भाई साधु, साधु का हो गया तो संसार से कह रहे सुनो भाई साधो, इतने काम कर लो भगवान मिलने की गारंटी है। इसे लाइन, अरे ऐसो को जो हरी से